आज भी करूंगी एक स्किन वाइटनिंग क्रीम पे रिव्यू, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे इस क्रीम के रिव्यू करने पर, सो मैं आज क्रीम पे रिव्यू करूंगी। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो उसके बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। सो गाइज, आज मैं जिस क्रीम पर रिव्यू करूँगी वो है गोल्ड स्टार ब्यूटी क्रीम। इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास पाकिस्तान के इंडिया से भी बहुत आ रही थी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इस क्रीम के ऊपर रिव्यू करूं। सो काइंडली मैं बता दूं कि कल मैंने किया था जॉनसन्स के बेबी शैम्पू पे रिव्यू। अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम झेल रहे हैं सर्दियों में, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। इसको वॉच करने के लिए ऊपर आई बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो गाइज़, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये क्रीम की कंसिस्टेंसी कैसी है, क्या ये अच्छी है या नहीं, ये भी आपको साथ साथ बताएंगे और इसके फ़ायदे बेनिफिट्स यूजेस सब कुछ बताऊंगी। पहले इसे खोलते हैं और आपको कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। सो कुछ येलो और गोल्डनिश इसका कलर है और साथ में एक ब्लू कलर का शेड इन्होंने दिया हुआ है। जैसा कि आप अक्सर क्रीम्स में देखते हैं कि कोई ना कोई कंट्रास्ट दिया हुआ होता है ताकि आपको ख़रीदने वाले को काफ़ी कैची और अट्रैक्टिव लगे। सो यहाँ पर मैंने इसे खोल लिया है। अब इसे अंदर से खोल के आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसी है और फिर आपको इसके यूजेस और बेनिफिट्स बताते हैं। सो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है अंदर से, और बिल्कुल ये अभी सर्दियां हैं लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा जमी जमी मुझे महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है फॉर्मूला क्रीम्स जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा जम जाती हैं। और क्या ये फॉर्मूला क्रीम है या नहीं, यही सब्सक्राइबर्स का सवाल था। सो यहाँ पे मैंने आपको करके बताई अनबॉक्सिंग। सो मैं अब यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि ये एक फॉर्मूला क्रीम ही है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जितनी ज़्यादा कंपनी में फॉर्मूला क्रीम सेल हो रही हैं उसी तेज़ी से लोग फॉर्मूला क्रीम्स पे फॉर्मूला क्रीम्स बनाते चले जा रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए कि फॉर्मूला क्रीम्स हर घर में बन रही हैं पाकिस्तान में। फॉर्मूला क्रीम्स क्या करती हैं, वैसे तो बज़ाहिर रंग को गोरा करती हैं, अभी आप देख लीजिए इंस्टेंटली भी इसने गोरा कर दिया है, लेकिन इनका काम क्या होता है, आपके स्किन से दाग धब्बों को रिमूव करना। दाग धब्बे रिमूव हो जाते हैं लेकिन अगर आप इसे छोड़ देते हो तो वापस से वो आपके स्किन के ऊपर दाग धब्बे आ जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, आप अगर कोई भी फॉर्मूला क्रीम यूज़ करते हैं वो कुछ समय के लिए आपकी ऑल प्रॉब्लम्स स्किन की सॉल्व कर देती है। रंग भी गोरा हो जाता है, साथ साथ रंग गोरे के होने के साथ साथ आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे छाइयाँ झुरियाँ वगैरह हैं तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ तक कि डार्क सर्कल्स भी ख़त्म हो जाते हैं उस वक्त तक के लिए जब तक कि आप इसको यूज़ करते हो। अगर आप इसका यूज़ छोड़ देते हो तो इसके यूज़ को छोड़ने के बाद फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके रिजल्ट्स मालूम पड़ते हैं कि जब आप इसे छोड़ते हो तो फिर आपको इसकी किस कदर आदत लग जाती है कि आप इसे छोड़ ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए ये सारी फॉर्मूला क्रीम्स हर घर में इसीलिए बन रही हैं क्योंकि मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जैसा आप सब जानते हैं, अगर आप ग्रुप्स में बैठते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, किसी दोस्त का कलर आप गोरा होते हुए देखते हैं, आपको भी क्रेज़ होता है ये सोच के कि आप किसी को आपने गोरे होते हुए देखा है, तो आपको इस बात पे यकीन हो जाता है कि वाकई में कोई क्रीम लगा रहा है या कोई फॉर्मूला लगा रहा है, तो आप उससे फॉर्मूलेशन पूछने की कोशिश करते हैं। सो उसके पीछे भी एक फॉर्मूला क्रीम का राज होता है। फॉर्मूला क्रीम्स हों, स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन तो काफ़ी अच्छे होते हैं वो हों, या फिर टेबलेट्स हों, ये सारा काम जो है वो स्किन वाइटनिंग का ही करती है, तो कोई ना कोई राज ज़रूर छुपा होता है आपकी खूबसूरती के पीछे। जब आप नए नए खूबसूरत होना शुरू करते हो, यानी कि अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा डल है और गोरा होता जाता है तो कोई ना कोई राज ज़रूर होता है, तो उसी राज को जानने के लिए आप कोशिश करते हो और उसके बाद उसी चीज़ों की तरफ आप भी चल पड़ते हो। फिर मार्केट में नए नए फॉर्मूले निकलते हैं और क्योंकि मार्केट में डिमांड्स बढ़ जाती है क्रीम्स की, तो फिर क्या करते हैं लोग, वही फार्मूला उठाते हैं, बस एक आध फ्रेग्रेंस चेंज कर देते हैं, पैकेजिंग चेंज कर देते हैं, बॉक्स को चेंज कर देते हैं और अदरवाइज क्रीम ऑलमोस्ट वही होती है। 30 ग्रेम्स का ये बॉक्स होता है, सबके इतने ही बॉक्स होते हैं, फ्रेग्रेंस का फ़र्क होता है, बाकी क्रीम आप टेक्सचर देख लीजिए, ऑलमोस्ट आपको यही टेक्सचर मिलेगा हर एक क्रीम का,
यही टेक्सचर। सो गाइस ये जो क्रीम होती हैं ये मैंने आपको बताया 7-10 दिनों में गोरा करती हैं, बेशक करती हैं, आप इन्हें यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन कंपनी आपको पॉम्फलेट के अंदर लिखती है कि आप उस वक्त तक यूज़ करो जब तक कि आपका कलर फेयर हो जाए, उसके बाद आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करें, दैट्स इट, इतना यूज़ ना करें। लेकिन मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपने कभी भी यूज़ नहीं की फार्मूला क्रीम तो प्लीज़ कभी भी यूज़ ना कीजिएगा, बिकॉज फार्मूला क्रीम्स ऐसी आदत लगाती हैं कि आपकी स्किन को तबाह कर देती हैं। इसके बेनिफिट्स के साथ साथ नुकसान भी बेशुमार हैं। प्राइस की बात कर ली जाए तो 300-350 रुपीस के अराउंड आपको सारी क्रीम्स मिल जाएंगी, फार्मूला क्रीम्स की जितनी भी रेंज है 350-300 और 250 रुपीस के अराउंड आपको मिल जाती हैं सारी फार्मूला क्रीम्स। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राइस पूछ रहे होते हैं कि प्राइस आपने बताई नहीं, प्राइस बता दें, या तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो पूरी देखते ही नहीं है, उसके अलावा प्राइस पूछ लेते हैं या कुछ और पूछ लेते हैं कि क्या हमें ये यूज़ करनी चाहिए या यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो गाइज़ मैं आपको सिंपली समझा दूँ कि अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो, आप फार्मूला क्रीम के यूज़र नहीं हो, तो ना यूज़ करो, बिकॉज ये आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आगे चल के आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आपको पिंपल्स हैं, निशानात हैं, आपको छाइयां हैं, आप डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से आप रابطہ कर सकते हैं और वो आपको एक बेहतर सजेशन देंगे, आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर सजेशन देंगे, इतनी ज़्यादा बेहतर कि आप सोच भी नहीं सकते। सो वो सजेशन आप लोगों के लिए बेस्ट होगी, अच्छी क्रीम देंगे, टेबलेट्स देंगे आपको, अच्छा सोप देंगे, हर एक चीज़ मेडिकेटेड होगी, आपकी स्किन की प्रॉपर केयरिंग हो सकती है। लेकिन आप फॉर्मूला क्रीम के ऊपर अगर यकीन करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, तो जान लीजिए कि फॉर्मूला क्रीम तो बज़ाहिर एक फॉर्मूला क्रीम ही है, बहुत सारी चीज़ क्रीम्स मिला के इसमें तैयार किया जाता है, इसके अंदर सीरम्स होते हैं, स्किन वाइटनिंग, आप नहीं जानते हैं फॉर्मूला क्रीम कैसे तैयार होता है। मैंने फॉर्मूला क्रीम भी बनाना आपको सिखाया है, चाहे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसको वॉच कर सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि फॉर्मूला क्रीम्स को कैसे तैयार किया जाता है, तो आपको यकीन नहीं होगा, वो एक हैरत अंगेज़ चीज़ है, जो आप देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा, उन लोगों को जिन्होंने कभी फॉर्मूला क्रीम्स ना यूज़ की हैं और ना कभी देखी हैं, देखी तो होंगी बिकॉज YouTube अगर आप देखते हैं तो आए दिन रेगुलर नए फॉर्मूले बन ही रहे होते हैं। सो गाइज मैं आपको इतना कह सकती हूँ, हम इसको हैंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, फीट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हैंड्स एंड फीट्स के लिए परफेक्ट फॉर्मूले हैं, इन्हें यूज़ कीजिए, आपको पसंद आएंगे। और हैंड्स के लिए आप इसको यूज़ करके देखिए, अगर आपके हाथों पे निशानात हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे, आपके हाथ गोरे भी हो जाएंगे, फीट्स भी गोरे हो जाएंगे, तो दोनों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, हाथ और पैर की स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उस पर इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स चेहरे के ऊपर होते हैं। तो चेहरे को प्रॉपर केयरिंग दें, अच्छी चीज़ यूज़ करें, फेयरनेस क्रीम्स यूज़ कीजिए, और स्किन वाइटनिंग और भी क्रीम्स मौजूद हैं मार्केट में, अच्छे अच्छे ब्रांड्स की मौजूद हैं, आप उनकी यूज़ कीजिए, एवेलाइन एक अच्छी क्रीम है, और पॉन्ड्स की भी आपको स्किन वाइटनिंग क्रीम मिल जाएगी, वो भी अच्छी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारे मार्केट में क्रीम है, ओले है, और अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, आप उनको यूज़ कीजिए, आप उनको टेस्ट करके देखिए एक बार, आपको पसंद आएंगी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके चेहरे को तबाह करने वाली क्रीमें हैं, इनको ना यूज़ कीजिए। आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे क्रीम मंगवानी पड़ती है और मैं फिर रिव्यू कर देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रिव्यू करने में, लेकिन वही भी चीज़ मैं आपको बताऊँगी जो चीज़ सही होगी, अगर सही नहीं होगी तो मैं आपको कभी भी नहीं बताऊँगी। मैंने ऐसे ढेरों स्किन वाइटनिंग क्रीम्स पर रिव्यू किए हैं, चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको वॉच कर सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या वो क्रीम सही है या नहीं। उनमें से कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बट साइड इफ़ेक्ट्स भी उनसे नहीं हुए, बहुत कम हुए, ऐसा नहीं है कि वो क्रीम्स लोग यूज़ नहीं करते, लोग उन क्रीम्स को 10-10, 12-12 साल से यूज़ कर रहे हैं। तो आप अगर आपको ठीक लगता है, आपको लगता है आपकी शादी है या आपका कोई फंक्शन में जाना है आपको, तो ऐसा समझ लीजिए घर का कोई फंक्शन है, तो फिर आप इसको 15-20 दिन यूज़ कर सकते हैं, आपको ऑलमोस्ट कलर अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आपको इसे छोड़ना होगा, अपने 2-3 साल इसको यूज़ नहीं करना। सो 2-3 साल यूज़ करने वाली ये नहीं है, मैंने आपको यहाँ इसको यूजेस बता देती हूँ, प्राइस और बेनिफिट्स और नुकसान तो मैंने आपको बता दिए हैं। सो गाइज इसको यूज़ करने का तरीका कंपनी यही लिखती है कि आप इसको दिन में 2 बार यूज़ करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, इसमें कोई SPF नहीं है, आप इसको बाहर लगाकर नहीं जा सकते हैं, ये जस्ट नाइट क्रीम होती है, अगर आप घर में हैं, आप धूप में नहीं निकल रहे हैं तो फिर आप इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं, ये घर के लिए जो है वो एकदम परफेक्ट है, आप इसको घर में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस ये तो थी आज की मेरी सिंपल सी वीडियो, कल मैं करूँगी
ब्लीच क्रीम पे रिव्यू, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर्दियों में ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल कैसा है वो भी बताऊंगी, इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगी, और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या ये वाली सही है फेस के लिए नहीं ये भी बताऊंगी, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और फेस पे यूज़ कर सकते हैं हैंड्स पे, ये भी बताऊंगी। तो अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई में ब्लीच क्रीम आपके स्किन के लिए अच्छी है या नहीं है। सो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।